अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और डेली की तरह आज भी मैं करीब बहुत मजे की और न्यू रेसिपी लेके आई। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी गाजर की खीर किस तरह हम घर में इजीली बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की और क्रीमी बनती है और बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी, आप उसको ईजीली बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को देखना होगा, स्टेप्स को करना होगा फॉलो। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, उससे आपको मेरी न्यू इजी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। लाइक करें, शेयर करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये सीज़न की रेसिपी है तो आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 गाजरें ले ली हैं, इस तरह की लंबी लंबी रेड कलर की। इसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने छील लिया। अब इसको ग्रेट करेंगे। चलें, ये ग्रेट हो चुकी है। अब चावल ले लिए मैंने 1 पाव, उसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने भिगो दिया है। 2 लीटर मैंने दूध लिया है, उसको पैन में डाल लिया, चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए 5 इलायची छोटी। चलें इसके बॉयल आने का करते हैं वेट, तब भी हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। बॉयल जो आ चुका है, अब इसमें चावल ऐड करते हैं। हाथ को अच्छी तरह मैश करके चावलों को इस तरह कर लेते हैं, थोड़े से तोड़ लेते हैं। तो अब ऐड कर देते हैं इसमें, साथ ही हम इसमें ग्रेट की हुई गाजरें ऐड करेंगे। दोनों को पकाएंगे अच्छी तरह। ये मीडियम लो पे ही हम इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह दोनों चीज़ें कुक हो जाएं। चलें, ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है हमारी खीर। ये देखें कितनी मज़े की, और गाजरें और चावल जो हैं दोनों गल गए हैं। इस पॉइंट में हम ऐड करेंगे इसमें 4 टेबल स्पून बलाई के लिए थे और 4 टेबल स्पून मैंने दूध लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया। इससे बहुत क्रीमी और मज़े का टेस्ट आता है, वो ऐड करेंगे और इसको अब पकाते हैं। चूल्हा जो है वो मीडियम लो ही है, इस पर ही इसको हमने पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा चूल्हा रखेंगे तो उससे ये जल जाएगी और मज़े की नहीं बनेगी। जितना आप टाइम देंगे उतनी मज़े की बनेगी। तो चलें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं कुछ, जो मैंने मेवे और बादाम लिए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो आप शुगर ऐड कर देंगे, 2 कप इसमें शुगर ऐड करेंगे, 1.5 पाव के करीब है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं कम या ज़्यादा। चने इसको अब पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और पक जाए। चलें, खीर जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, चलें ऑलमोस्ट हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह, हमारी जो गाजर की खीर है वो हो चुकी है रेडी। बहुत ही मज़े की और क्रीमी खीर है और बहुत ही इजी और जल्द बनने वाली रेसिपी है। आप इसको इजीली बना सकते हैं, बनाएं ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।